किस पे डिपेंड करके जो हमारे मैमब्रेन प्रोटीन्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है इंटीग्रल और पैरिफ्रल प्रोटीन्स में राइट तो इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे पार्शली और टोटली बरेड होते हैं मैमब्रेन में और अगर बात करें यहाँ पे पारीफ्रल प्रोटीन्स की तो जो हमारे पेरीफ्रल प्रोटीन्स हैं ये मैम्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं राइट right? और इनकी एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हमने मैमब्रेन प्रोटीन्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है ओके okay, तो स्टार्ट करेंगे ऑप्शन फर्स्ट से जो हमें दिया गया है साइज तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है सेडिमेंटेशन रेट तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत है थर्ड दिया गया है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड राइट बिकॉज एक्सट्रैक्शन की ईज के बेसिस पे बाबरीन प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है इंटीग्रल और पेरिफ्रल प्रोटीन्स में लास्ट ऑप्शन दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत होता है सो करेक्ट आंसर रिमेन ऑप्शन थर्ड हेयर एंड अदर आर द रॉन्ग ऑप्शन गिवन फॉर दिस क्वेश्चन टेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर